नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। आसमान हरा हो रहा है, कोई बड़ा खतरा आ रहा है, क्या 2025 में महामौत आ रहा है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आसमान लगातार हरा होता चला जा रहा है। देखिए, अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत के कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिला था कि वहां पर आसमान हरा हो गया था। चाहे हम मुंबई की बात करें, या फिर लद्दाख की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर राजस्थान की बात करें, वहां पर सभी ने देखा था कि आसमान जो वहां का था वो हरा हो गया था। और इसको लेकर के चर्चाएं बहुत सारी की गई थी, इसको लेकर बहुत सारी बातें की गई थी, परंतु इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया था कि आखिर वहां का आसमान क्यों हरा हो गया था। इसे अरोरा बोरिस नाम दिया गया। परंतु देखिए, ये न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में देखने को मिला था, कई स्थानों पर देखने को मिला था। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये घटना क्यों घटी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या था। देखिए, प्रकृति में कोई भी घटना घटता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण होता है। ऐसे ही कोई भी घटना नहीं घटता है, जब भी प्रकृति में कोई घटना घटता है तो उसके पीछे एक बड़ा संकेत होता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। यही बात भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई है, यानी कि जो भी घटना इस धराधाम पर घट रहा है, कहीं ना कहीं संत अच्युतानंद दास जी ने उसके विषय में हमें जागरूक करने का प्रयास किया है, उसके विषय में बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, जहां जहां पर आसमान हरा हुआ था, जहां जहां पर ऐसा देखने को मिला था, वहां वहां पर अभी हाल ही में आपने देखा था कि बाढ़ आया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तो केवल प्रारंभ मात्र था, ये जो आसमान हरा हुआ था ये केवल प्रारंभ मात्र था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जुड़ाव सीधे सीधे प्रकृति से था, सीधे सीधे तांडव से था। तो पहले हमें जल तांडव देखने को मिला कि किस प्रकार से मुंबई में हमने देखा था कि वहां पर दिखा था। तो अभी हाल ही में आपने मुंबई में देखा था कि एक बहुत बड़ा तूफान भी आया था, जहां पर बहुत तेज तेज आंधियां चल रही थी, इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा था कि जब आसमान हरा हुआ था तो वहां पर हमने देखा था किस प्रकार से बाढ़ आया था। देखिए, चीन के भी कुछ क्षेत्र थे जहां पर आसमान हरा देखने को मिला था, तो वहां हम सभी ने देखा था कि किस प्रकार से बाढ़ आया था। देखिए, चीन में इतना खतरनाक बाढ़ आया था कि चीन के कई ऐसे क्षेत्र थे जो पूर्णतः जलमग्न हो गए थे। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना खतरनाक रहा होगा ये बाढ़, कितना खतरनाक हो। देखिए, हरा आसमान तो जापान और ताइवान में भी देखने को मिला था। तो हम सभी ने देखा था कि हाल ही में जापान में किस प्रकार से भूकंप आया था, हम सभी ने देखा था कि अभी जो है ताइवान में किस प्रकार से भूकंप आया था। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आसमान जो हरा हुआ था उसका सीधा सीधा जुड़ाव आप देखिए कि कोई ना कोई प्राकृतिक घटना से है। देखिए, अभी भविष्य मालिका में क्या बातें हो रही हैं, भविष्य मालिका में यही लिखा गया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भविष्य मालिका यही कहती है कि किस प्रकार से जल तांडव आएगा, किस प्रकार से अग्नि तांडव आएगा, किस प्रकार से वायु तांडव आएगा। तो देखिए, हम सभी ने देखा था कि किस प्रकार से अभी भारत के अंदर बाढ़ आया हुआ था। चाहे हम दिल्ली की बात करें, या फिर राजस्थान की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम उत्तराखंड की बात करें। देखिए, उत्तराखंड में तो और भी खतरनाक बाढ़ आया हुआ था, जहां पर उत्तराखंड में अचानक से बादल फट गया था। और देखिए, जब उत्तराखंड में बादल फटा था तो हम सभी ने देखा था कि वहां की जो नदियां थी वो किस प्रकार से उफान पर चली गई। यानी कि हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नदियों ने रौद्र रूप ले लिया था। और हम सभी ने देखा था कि वहां पर लोगों के घर किस प्रकार से बह रहे थे। आप सोच सकते हैं कि लोगों के बड़े बड़े जो घर थे वो नदियों के भीतर ऐसे समाहित हो रहे थे, मानो कोई व्यक्ति क्रीड़ा कर रहा हो, कोई बालक क्रीड़ा कर रहा हो, इस प्रकार से वहां पर स्थिति देखने को मिली थी। देखिए, अभी हाल ही में हमने राजस्थान के अंदर देखा था कि राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है वो जल के भीतर डूब गया था। देखिए, कहा जाता है कि आज तक राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है, आज तक जल के भीतर वह नहीं डूबा है, परंतु इस बार जल तांडव का प्रकोप इतना खतरनाक देखने को मिला था कि आप सोचिए कि वो जल के भीतर समाहित हो गया था। और देखिए, हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा था कि वहां पर भयानक स्थिति बनी थी। देखिए, वहां पर हो ये रहा था कि लोगों के घरों में हमने दरार देखा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि लोगों के घरों में वहां पर दरार देखने को मिली थी, बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली थी। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या स्थिति रही होगी जहां पर लोगों के घर फट रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक संकेत हो सकता है। तो ये जो आसमान हरा हुआ था वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हुआ था। तो आप सोचिए कि ये जो खतरा अभी आ रहा है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं अभी आ रहा है, ये तो प्रारंभ मात्र है। जहां जहां पर आप देखिए, कहा जा रहा है कि आसमान हरा हुआ था, वहां पर आने वाले समय में बहुत ही भयंकर बरसात आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहां पर भयानक बरसात होगा, उसके ठीक बाद आप देखेंगे कि वहां पर जो जल स्रोत है वो अचानक से सूख जाएंगे। आप देखिए, बहुत से भारत में ऐसे जल स्रोत हैं जिसके माध्यम से आज भी जनमानस जो है जल पीते हैं, यानी कि जल का सेवन करते हैं। तो इसमें होगा ये कि अचानक से सारे जल स्रोत
सूखते चले जाएंगे और फिर लोगों को जल हेतु अत्यंत कठिनाई होगी। देखिए यहाँ पर भविष्य मालिका में यही बात कहा गया है कि आने वाले समय में पीने योग्य जल इस धराधाम पर नहीं रहने वाला। अभी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया था कि पूरे विश्व में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं कि आप देखिए कि बिना जल के वो रहते हैं, यानी कि उन्हें इतना जल नहीं मिल पाता कि वो जल को पी सके। परंतु आप देखिए कि आज हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्णतया विषैली होती चली जा रही है। आप देखिए कि पृथ्वी से जल दिन प्रतिदिन सूखता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, बहुत बड़ा ये संकेत हो सकता है, जहां पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार ये जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं वो हमें संकेत दे रही हैं। अभी हाल ही में चीन में हमने देखा था कि वहां पर आसमान लाल हो गया था, तो आप सोचिए कि ये घटनाएं किस प्रकार से घट रही है कि आसमान का लाल होना कहीं ना कहीं कोई सामान्य बात नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा संकेत हो सकता है। देखिए हमने तो सात सूर्य के विषय में भी आपको समझाने का प्रयास किया था, तो देखिए चीन में अभी हाल ही में सात सूर्य भी देखने को मिले थे, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सात सूर्य वहां पर दिखे होंगे। वैसे अभी हमने पिछले वर्ष ही देखा था कि सूर्य का तापमान कितना अधिक बढ़ गया था, कहीं कहीं तो तापमान आपने देखा था कि 70 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि एक सूर्य है तो इतनी गर्मी बढ़ रही है। आप सोचिए कि यदि सात सूर्य इस धराधाम पर आ जाए उस समय की आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी, लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। यह सत्य है, क्योंकि आप सोचिए कि एक सूर्य को हम नहीं झेल पा रहे हैं तो सात सूर्य को हम किस प्रकार से झेल पाएंगे। तो चीन में अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस प्रकार से सात सूर्य देखने को मिले थे, वहीं आप देखिए वहां पर आसमान लाल भी देखने को मिला था। तो आप सोचिए कि अचानक से ये जो घटनाएं पृथ्वी के अंदर घट रही हैं या फिर प्रकृति के अंदर घट रही हैं, जो कि असामान्य घटनाएं हम कह सकते हैं, इससे क्या संकेत मिलता है? देखिए इससे यही संकेत मिलता है कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, आने वाला जो समय है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है, संभवतः जिसके विषय में हमने कल्पना नहीं किया होगा। यदि आप इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, यदि आप इन बातों को नहीं समझ पाते, तो आपको चाहिए कि आप भविष्य मालिका का अध्ययन करें, आप हमारे शास्त्रों का अध्ययन करें। जब हमारे शास्त्रों का आप अध्ययन करेंगे, जब आप भविष्य मालिका का अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आने वाला समय किस प्रकार से रहने वाला है, आने वाला जो समय है वो कितना खतरनाक रहने वाला है। कि इसीलिए संभवतः संत अच्युतानंद दास जी ने हमें पहले ही समझाने का प्रयास किया होगा भविष्य मालिका के माध्यम से। इन संतों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये संत कहीं ना कहीं त्रिकालदर्शी रहे होंगे, तभी इन्होंने जो है इन भविष्य में आने वाले खतरों को देख लिया होगा, तभी भविष्य मालिका के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया होगा। परंतु दुर्भाग्य यह है कि आज मनुष्य उसको नहीं समझना चाहता है, आज मनुष्य उसको नहीं जानना चाहता है। तो देखिए ये जो आसमान हरा हुआ है ये कहीं ना कहीं एक प्रारंभ मात्र है। हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा आ रहा है, जिसके विषय में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए, इसको लेकर के हमें जागरूक होना चाहिए, जिसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि आने वाले समय में क्या खतरा आने वाला है। तो हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।